कराची के इलाके वाटर पंप पर कायम तजावुजात आवाम के लिए दर्द सर बन गए। ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वाटर पंप पर कायम तजावजात के बाइस पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। दफ्तरी औकात में अपने काम काज पर जाने वाले शहरी ट्रैफिक जाम होने से कई कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है इतनी अंदर चलने फिरने का रास्ता भी नहीं है, ना कोई सब्जी बंदा खरीद सकता है, ना फल फ्रूट खरीद सकता है। इतना रश है, कहीं जो है ना अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है। पूरी गाड़ियाँ भरी हुई है, पूरा रश लगा हुआ, पूरा रोड भी बंद है सारा, बुला के रोड भी, या कोई पूछने वाला ही नहीं है। अपनी मर्जी का लोग खड़ा करते हैं। KMC वाले भी नहीं, DMC भी नहीं आता। यहाँ पे एक तो ट्रैफिक जैम का मसला हर वक्त का है, पैदल चलने की जगह नहीं है। आप ज़रा कोई भी बड़ा सुंदर एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए और आगे इस जगह की पोजीशन देख लो, उसको खुद ही अंदाज़ हो जाएगा कि क्या पोजीशन है। कारोबारी हजरात का कहना है कि तजावजात के बाइस कारोबार ठप होकर रह गया है। मुतालका इदारे को मुतादिद बार इसकी जानिब मबजूल करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। होती यही है, इससे ये है कि हमारा कारोबार भी मुतासिर होता है। अगर थोड़ा ये पार्किंग वाले अगर ख्याल करें, थोड़ा आगे पीछे अंदर करके लगाएं, तो आने वाले ट्रैफिक को भी आसानी और हम लोगों को भी आसानी। ये लोग जो पार्किंग वाले खड़े हुए ना, ये रहते हैं, अगर हम इनको कभी मना भी कर दें कि अंदर कर लो, तो वो कोई इतनी वो सुनवाई नहीं है, यानी कि जो खड़ी कर दी वही सही है। अहले इलाका और दुकानदारों ने मुतालका इदारे से अपील की तजावजात का खात्मा करके हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इमरान के साथ मोहम्मद रिजवान, K21 न्यूज़ कराची।